तो अगर आपने इतना रिवाइज कर लिया तो आपको कुछ बेसिक बातें समझ आ गई होंगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं रियल साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां हो रही होगी, तो आप बोलोगे इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बन रहे होंगे स्पर्म्स। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं, मेन हार्मोन फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन सा हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, तो इसमें ढेर सारे हार्मोन्स आ जाएंगे जैसे GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ICSH इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या LH कह सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH को ही हम लोग मेल के केस में ICSH या इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिन जो सस्टेंटेकुलर सेल से रिलीज हो रहा है। तो ये सारे हार्मोन मिल करके कंट्रोल करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। स्टिमुलेट करेंगे कौन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ICSH, FSH, आइडियली मैं बात कर रहा हूं। और निगेटिव फीडबैक कौन देगा, इनहिबिन। इनहिबिन निगेटिव फीडबैक देगा, जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा स्पर्म्स का तो इनहिबिन जो है वो निगेटिव फीडबैक देगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करेगा, रोकेगा या कम करेगा। स्पर्म प्रोडक्शन को क्या करेगा, ये कम करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस को ये क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसमें दो शब्द यूज हुए हैं, स्पर्मेटो और जेनेसिस। जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, तो स्पर्म के प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया इज डिफाइंड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर और ज्यादा अच्छे तरह से हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पर्म फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम थ्रू द मियोसिस। तो फिर एक आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इस डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम से मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इन सारे एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी के साथ हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को विद द स्पर्मेटोगोनिया। तो हमारे पास एक सेल है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये होंगी कहां पे, तो इसके लिए ध्यान से सुनिए एक बार। आखिरी बार मैंने आपको बताया कि वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल में दो तरीके की एपिथेलियल सेल्स होंगी, उसमें से एक है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम एक्स्ट्रा गोनेडल है और ये डिवाइड होकर के क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर के क्या बनाएंगी, स्पर्म, और स्पर्म का बनना फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियल सेल से माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस के थ्रू बनेंगी स्पर्मेटोगोनियम, और स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड होकर के बनाएंगी दो तरीके की स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए एंड टाइप बी। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसको टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम बोल रहा हूं तो इसमें होगी माइटोसिस और दो तरीके की क्या बनाएगी ये स्पर्मेटोगोनिया। एक स्पर्मेटोगोनिया को मैं बोल रहा हूं स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, दूसरे को मैं बोल रहा हूं स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी। ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम जो है ये डिवाइड होकर के वापस से बना लेगी टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम, और जब ये डिवाइड करेगी तो फिर टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम बनेगी, कुछ वापस ए बना लेगी, कुछ डिफरेंशिएट होकर के टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम बना लेगी। अब इस टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम में होगी ग्रोथ और साइज इसका थोड़ा सा हो जाएगा एनलार्ज, और इसको हम लोग बोलने लगेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात आप पहले सुनिए। सबसे पहले इसकी पोलॉइडी, तो यहां से आप शुरू करिए, ये होगी डिप्लॉयड,
ये भी होगी कैसी डिप्लॉयड, और फिर ये भी कैसी होगी डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड क्यों है बताने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें ह्यूमन बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं गैमेट्स को छोड़कर के सब डिप्लॉयड होंगी। तो मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम को छोड़कर के जितनी भी क्या है सेल्स हैं, ये क्या है हैप्लॉयड नहीं डिप्लॉयड है। केवल और केवल गैमेट्स कैसे होते हैं हैप्लॉयड होते हैं, गैमेट के अलावा ह्यूमन बॉडी की सारी सेल कैसी हैं डिप्लॉयड हैं, कैसी हैं डिप्लॉयड हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम भी डिप्लॉयड, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो टाइप बी भी डिप्लॉयड, और यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ हो रही है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसी होगी डिप्लॉयड होगी, कैसी होगी डिप्लॉयड होगी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सुनिए ध्यान से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, स्पर्म लीनिएज कहां से स्टार्ट होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां से स्टार्ट होगी। तो इसका आंसर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्पर्म लीनिएज या स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कहां से होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कौन सी पहली सेल है जो मियोसिस में अंडरगो करेगी, कौन सी सेल पहली बार मियोसिस में मियोटिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन में एंटर करेगी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। तो इसका भी आंसर होगा अगेन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के लिए कि स्पर्म लीनिएज या स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहली ऐसी सेल है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो मियोसिस में जाएगी या रिडक्शन डिवीजन में जाएगी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगी मियोसिस, और आपको पता है मियोसिस दो साइकिल में कंप्लीट होगी, पहले होगी मियोसिस फर्स्ट, और आपको यह भी पता है मियोसिस फर्स्ट जो है ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देता है डॉटर सेल्स में। तो मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगी, एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट दो डॉटर सेल्स बनेंगी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इससे क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे या आधे हो जाएंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शनल डिवीजन होगी तो जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी उनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैंने आपको बताया कि इनका नंबर कितना होगा दो, इनका नंबर कितना होगा दो अगर ये कितने हैं एक है तो, और क्रोमोसोम का नंबर इससे जस्ट क्या हो जाएगा हाफ, यानी 2n से हो जाएगा n, यानी ये सेल्स कैसी हो जाएंगी हैप्लॉयड। तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, मियोसिस फर्स्ट के बाद यहां पे होगा मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड होता है जस्ट लाइक इक्वेशनल डिविजन, दो सेल्स तो बनती हैं एक सेल से, यानी अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हो रहा है तो इससे दो डॉटर सेल्स बनेंगी, लेकिन चूंकि ये इक्वेशनल डिवीजन की तरह होता है तो पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगी। तो यानी जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगी तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी इनको मैं बोल रहा हूं स्पर्मेटिड्स। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड्स बनेंगी, तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल फोर स्पर्मेटिड्स बनेंगी। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड, हमारे पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो टोटल फोर स्पर्मेटिड्स बनेंगी, और स्पर्मेटिड्स की पोलॉइडी क्या होगी हैप्लॉयड होंगे। और यहां से लेकर के यहां तक की प्रोसेस फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम टू द स्पर्मेटिड, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगी, ग्रोथ होगी इसमें, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस फर्स्ट होगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगी, सेल्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड होगा तो एक से दो डॉटर सेल्स बनेंगी, दो से चार डॉटर सेल्स बनेंगी, और इन सेल्स को हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स हैप्लॉयड होंगी, इनके पहले सब क्या होंगी डिप्लॉयड होंगी, और स्पर्मेटोगोनियम से लेकर के स्पर्मेटिड तक
के बनने की प्रोसेस को फ्रॉम हियर टू हियर फॉर दिस मच फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम टू स्पर्मेटिड्स, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो ये एक प्रोसेस हमको और समझ आ गई, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम। अभी हमको ये नहीं चाहिए, स्पर्मेटिड्स हमारे फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हमको क्या चाहिए, स्पर्म। तो ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये स्फेरिकल सेल्स होंगी, नॉन मोटाइल। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनका, और ये कन्वर्ट हो जाएंगी एक हाईली स्पेशलाइज्ड मोटाइल सेल्स में, इनको हम लोग बोलेंगे स्पर्म्स, स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोन। एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनेगा, तो टोटल हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स हैं, तो नंबर ऑफ स्पर्म्स वुड बी 4, कितने हो जाएंगे 4, और इनकी प्लॉयडी भी क्या होगी, हैप्लॉयड होंगी। और यहां से लेकर के यहां तक की प्रोसेस, ये स्पर्म से स्पर्म या स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, या इसको स्पर्मेटिलियोसिस भी बोलेंगे, स्पर्मेटिलियोसिस। तो ये हमारे पास एक दूसरी प्रोसेस आ गई जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड का बनना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स का बनना स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाएगा, और इन दोनों प्रोसेस को मिला करके हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिड्स का बनना फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दो सब प्रोसेसेस हो गई किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म का बनना फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म प्रोडक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन या मेटामॉर्फोसिस इनटू स्पर्म्स क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। तो ये मिलते जुलते कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, इनको बड़े आसानी से बड़े धीरे धीरे आप याद करिए। मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया विल बी डिफाइंड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एंड मेटामॉर्फोसिस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म विल बी डिफाइंड एज स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। ये कुछ कंफ्यूजिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, बड़े आराम से इसको क्या करिए, आप प्रोनंशिएट करिए और रिवाइज करिए। तो ये प्रोसेस हमें समझ में आ गई कि स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं ये कैसे होगा। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, एक मोटाइल स्पेशलाइज्ड हैप्लॉयड सेल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्म। यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे इस फ्लो चार्ट से पूछे जाएंगे, कॉमन क्वेश्चन का मतलब आप ध्यान से समझिए, सेल्स के नंबर पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिए और आंसर करिए। How many primary spermatocytes will be required for the production of 100 sperms? 100 sperm cells अगर हमें चाहिए तो कितनी primary spermatocytes required होंगी? 100 sperms हमें चाहिए तो कितनी secondary spermatocytes required होंगी? 100 sperms के लिए कितने spermatids required होंगे? या उल्टा पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास 25 primary spermatocytes है तो कितने sperms बनेंगे? अगर हमारे पास 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो कितने स्पर्म बनेंगे? अगर हमारे पास 100 हमारे पास क्या है, स्पर्मेटिड्स हैं, तो ये कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने हुए होंगे? इस तरीके से घुमा फिरा करके नंबर ऑफ सेल्स पूछ सकता है। तो इस फ्लो चार्ट से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 4 स्पर्म बनेंगे 4 स्पर्मेटिड से, यानी एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म, 100 के लिए 100 चाहिए। इसी तरीके से अगर हमको 4 स्पर्म चाहिए तो 2 होने चाहिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अगर 100 स्पर्म चाहिए तो फाइंड आउट कर सकते हो नंबर।
इसी तरीके से अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी तो चार स्पर्म बनेंगे, अगर हमको 100 स्पर्म चाहिए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर कितना होना चाहिए, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो डिवाइड करके सिंपली 4 से। तो ये बड़े आसान आसान कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इस फ्लोचार्ट से पूछे जा सकते हैं। इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को मैं एक बार आपको पिक्टोरियली और समझाता हूँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसको और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेल्स जो हैं ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, सेल्स जो हैं ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो सपोज ये क्या है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है। तो अगर ये डिप्लॉयड है तो आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी 46। ह्यूमन बॉडी में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 46 होगा, या फिर इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं 44 ऑटोसोम्स प्लस अगर मेल है तो एलोसोम होंगे एक्स वाई। इसमें ग्रोथ होगी, साइज में थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगी और इस सेल को हम लोग बोलने लगेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी इसकी पोलैरिटी क्या है, 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी अगेन 46। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट, या इसको हम बोलेंगे रिडक्शन डिवीजन। टोटल सेल्स बनेंगी कितनी, दो। ये जो दो डॉटर सेल्स हैं इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनकी पोलैरिटी हो जाएगी एन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी 23, इनको हम लोग लिखेंगे 22 प्लस एक्स और वाई। अगर इसमें 22 ऑटोसोम और एक एक्स चला गया है तो इसमें 22 ऑटोसोम और एक वाई जाएगा। इसमें अब क्या होगी, मियोसिस सेकेंड और एक से दो डॉटर सेल्स, अगेन इसमें क्या होगी, मियोसिस सेकेंड, एक से दो डॉटर सेल्स बनेंगी और इनको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। पोलैरिटी क्या होगी, एन, इसको अगर हम देखेंगे तो 22 प्लस एक्स, इसको अगर हम देखेंगे तो 22 प्लस एक्स, इसको देखेंगे तो 22 प्लस वाई, इसको अगर हम देखेंगे तो 22 प्लस वाई। अब इतनी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। अब इन सब में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगी और इस तरीके की कुछ क्या बन जाएंगी सेल्स, हेड और इस तरीके से नेक, मिडिल पीस और टेल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्म या स्पर्मेटोजून। और इन दोनों की पोलैरिटी अगर हम देखेंगे तो एन होगी, इन दोनों की देखेंगे तो एन होगी, यानी सारे स्पर्म हैप्लॉयड होंगे। लेकिन ये जो दो स्पर्म हैं, ये दोनों स्पर्म जो हैं, इनमें 22 प्लस एक्स होगा, यानी ये कैसे होंगे, गायनोस्पर्म होंगे, जबकि ये दोनों स्पर्म जो होंगे इनको हम लोग बोलेंगे 22 प्लस वाई, यानी ये एंड्रोस्पर्म होंगे। गायनोस्पर्म अगर ओवा के साथ फ्यूज करेंगे तो जो बेबी होगा वो डॉटर होगी, और अगर एंड्रोस्पर्म फ्यूज करेंगे ओवा के साथ जो फीटस डेवलप होगा उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा। तो ये बेसिक बातें हमें समझ में आनी चाहिए इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ पे नीचे वाली इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, मेटामॉर्फोसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से और आप समझिए, जो डिफरेंट लाइनिंग होगी, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है वॉल ऑफ स्पर्मेटिड है, सॉरी वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इंटरनली लाइन बाई टू टाइप ऑफ एपिथीलियम। यहाँ पे ये दो तरीके की एपिथीलियम होगी, जर्माइनल एपिथीलियम सेल और कुछ इलांगेटेड सेल्स होंगे जिनको हम लोग क्या बोल पा रहे हैं, नर्स सेल या सस्टेंटिकुलर सेल, या फिर क्या बोलते हैं इनको हम लोग, सर्टोली सेल। तो ये जो जर्माइनल एपिथीलियम सेल्स हैं ये डिवाइड करेंगी तो यहाँ पे अगली लाइनिंग जो बनेगी इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डिवाइड करेंगी तो बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये डिवाइड करेंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगर डिवाइड करेंगी तो बनेंगी स्पर्मेटिड्स बनेंगी। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये इस सस्टेंटिकुलर सेल
या नर्स सेल से जाकर के इस तरीके से अटैच हो जाएगी और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये स्पर्मेटिड्स, ये जितनी भी रेड कलर वाली स्पर्मेटिड्स हैं सब सर्टोली सेल से जाकर के अटैच हो जाएंगी और इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल कंटेनिंग स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजोन या स्पर्म। और ये जो स्पर्म बन रहे हैं इनका भी हेड अभी इस सस्टेंटिकुलर सेल या नर्स सेल से इस तरीके से क्या होगा, अटैच होगा। इनका हेड एम्बेडेड रहेगा इस सर्टोली सेल से जहां से ये नरिशमेंट लेती रहेंगी, यानी इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको दिखाई देगा एक सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो जैसे ही ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म बन जाएंगे, अगर ये इजेकुलेट होने होंगे तो ये अपने हेड को यहां से डिटैच करेंगे और ये ल्यूमेन में रिलीज हो जाएंगे, ये ल्यूमेन में रिलीज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अगर है सेमिनिफेरस टिब्यूल तो यहाँ पे अगर ये स्पर्म जो है एम्बेडेड है सर्टोली सेल से, तो अगर इनको रिलीज होना होगा तो अपने हेड को ये डिटैच कर लेंगे सर्टोली सेल से और ये रिलीज हो जाएंगे आउट ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल और ये चले जाएंगे डक्ट सिस्टम में। ये चले जाएंगे कहाँ पे, डक्ट सिस्टम में। मेल डक्ट सिस्टम को हम लोग अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये स्पर्म बने हुए हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, जब इनको इजेकुलेट होना होगा या इंसेमिनेट होना होगा इनटू द फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट, तो कौन से पाथ को फॉलो करेंगे, किधर से ये बाहर निकलेंगे आउटसाइड द मेल बॉडी, इसको हम लोग बोलेंगे डक्ट सिस्टम या मेल डक्ट सिस्टम। इतना आप रिवाइज करिए, अगले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा डक्ट सिस्टम।